आकाश नहलानी ने आईफा को भेजा नोटिस, कहा मुझसे माफी मांगो। जी हाँ, आपने सही सुना है, सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन पहलाज नहलानी ने आईफा और विजग्राफ को नोटिस भेज दिया है और उनसे माफी मांगने को कहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया कि पहलाज इतने नाराज हो गए हैं, तो आपको बता दें, दरअसल इस साल आईफा अवार्ड न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए थे, जहां रितेश देशमुख और मनीष पॉल ने मजाक मजाक में पहलाज पर निशाना साध दिया था। हुआ यूं कि एक एक्ट करते करते रितेश और मनीष दोनों ने पहलाज नहलानी की एक पिक देखकर उन्हें वॉचमैन कह दिया था। पहलाज नहलानी के वकील सुरेन्द्र उपल ने बताया कि न्यूयॉर्क में 15 जुलाई को हुए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह में एक एक्ट के दौरान रितेश और मनीष पॉल ने CBFC प्रमुख की तस्वीरों का दुरुपयोग किया और उन्हें वॉचमैन कहा है, जिससे नहलानी बेहद नाखुश हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पहलाज ने कहा कि अब ये मामला कोर्ट में जा चुका है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि मैं अच्छे से जानता हूं कि मुझे कब हंसना है और कब लोगों को रुलाना है। ये लोग भूल रहे हैं कि वे सिर्फ मेरा ही अपमान नहीं करते बल्कि उस पद का करते हैं जिस पर मैं कार्यरत हूं। अब समय आ गया है इन लोगों को समझाने का कि ये मजाक सिर्फ मुझ पर नहीं है। आपको बता दें, नोटिस में इस बात की शिकायत भी की गई है कि साल 2016 में भी एक एक्ट के दौरान फरहान अख्तर और शाहिद कपूर ने नहलानी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। एज यू नो, इससे पहले आईफा अवार्ड इवेंट में करण जौहर, सैफ अली खान और वरुण धवन ने एक्ट्रेस कंगना रनौत पर तंज कसा था, जिसके चलते इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जिसके बाद इन तीनों को कंगना से माफी भी मांगनी पड़ी थी। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।